हमारे कुछ नहीं खाने कभी कभी सोच लेते हो गया हमारे हो गया तो उनका अपने शिष्यों का जो घमंड है वो चुप करने के लिए उन्होंने बोला कि पूरा नहीं आ रहा ऐसे आए शंकराचार्य जिस समय क्लास दे रहे थे उनके सब बड़े बड़े विद्वान सब पंडित बैठे बड़े बड़े अच्छे अच्छे शिष्य सारे शास्त्र वो संस्कृत पढ़ने लेकिन जो गोविंद था वो सेवा की शिक्षा दे रहे थे। सेवा कितने बड़ी चीज है, अगर कोई निष्कपट होकर के गुरु जी की कोई सेवा अगर निष्कपट होकर के शास्त्र कहता है उसका हृदय में अपने आप इतने शास्त्र वेद पुराण उसका हृदय में अपनी आप स्फूर्ति हो जाती है। जब गुरु जी के निष्कपट होकर कोई सेवा करे सेवा बहुत बड़ी चीज है। इसलिए भगवान खुद कहते हैं बस्य कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्पत्नी सत्पतिव्रता। उदाहरण देते हैं जैसे एक पतिव्रता नारी वो पति की सेवा करते 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 उसको इतना वशीभूत कर देता है पति पैसा कमाता है महीना भर परिश्रम करके पैसा कमाएगा लेकिन ये सारे पैसा लाकर किसको देता है पत्नी को देता है। अगर पति अगर पैसा मांगे ना पत्नी पति को हजार जवाब देना पड़ता है बोले इतना पैसा क्यों मांग रहे इतने पैसा क्या करोगे इतने पैसे से काम चल जाएगा है फिर पत्नी की डांट सुनना पड़ता है पत्नी की और डांट सुनना पड़ता है बोले क्यों कारण है वो सेवा करती है वो सेवा को द्वारा वशीभूत कर देती है। इसलिए गोविंद दिन रात उनकी सेवा करता था कपड़ा उनको धुलाना उनके लिए खाना बनाना उनका घर को साफ करना। अभी उनका जितने बड़े बड़े पंडित लोग तो बैठे सारे शिष्य लोग बैठे हुए अभी शंकराचार्य जब बैठे हैं व्यास गद्दी पर लेकिन ये कथा नहीं सुना रहे जो शिष्य लोग होते बोले गुरु जी कथा सुना हो ना हम तो सबके सब आ गए तो थोड़ी सी रुक जाओ लेकिन गुरुदेव कथा ही नहीं सुना रहे बोले गुरु जी कथा सुना सब आ गए तब गुरुदेव कहा अभी गोविंद को आने दो गोविंद को आने दो क्यों उस समय गुरु जी को सेवा कर रहा था कपड़ा धो रहा था उनके लिए खाना बना रहा था। तब उनका जो बड़े बड़े पंडित जो शिष्य लोग थे बोले गुरुदेव गोविंद तो मूर्ख है वो अनपढ़ है शास्त्र पढ़ा नहीं संस्कृत पढ़ा नहीं उनके लिए क्यों इंतजार कर रहे हो है? वो क्या वेदांत समझेगा वेदांत सबसे कठिन ग्रंथ है बोले वो क्या वेदांत समझेगा इसलिए गुरु सुना ना इतने में गुरुदेव कथा नहीं सुनाई बोले उसका आने दो। जब गोविंद आए तब गुरुदेव कथा सुनाए तब गोविंद को उन्होंने पूछा शंकराचार्य जी क्योंकि उनको जो संस्कृत बड़े बड़े पंडित थे उनका अंदर में बड़ा अभिमान था हम बहुत शास्त्र ग्रंथ को जानने वाले संस्कृत पढ़े हुए हमारा जैसे कोई विद्वान नहीं। लेकिन जब उन्होंने गोविंद को बोले तुम कुछ बताओ हैं तुम कुछ बताओ सुनने ऐसे धड़ाधड़ श्लोक बोले ऐसे उन्होंने संस्कृत बोले ऐसे उन्होंने वेदांत को सूत्र सुनाए उनका जो बड़े बड़े जो शिष्य लोग थे ना सब पंडित लोग एकदम चकाचौंध हो गए बाबा रे हम तो सोच रहे थे मूर्ख कुछ नहीं समझ रहा था और उनने ऐसे ऐसे बात बोले ना जिसको सुन सुन कर पंडित लोग दंग रहे थे। यहाँ पर शिक्षा देते हैं जब तक हम सेवा नहीं करेंगे ना तब तक मेवा नहीं मिलने वाले इसलिए सेवा के द्वारा मेवा मिलता है। प्रभुपाद ना प्रभुपाद का एक शिष्य था जिसका नाम था वैष्णव दास वो क्या करता था उनका के बगीचा थी बगीचा में वो दिन भर उसमें साग है साग मेथी की साग पालक की साग उसको उगाना और वहाँ पर बैगन पेड़ बोना केले का पेड़ को बोना वो दिन भर खेत में काम करता था। उनका प्रभुपाद का और एक शिष्य था जिसका नाम भागवत महाराज थे वो भागवत महाराज वो बहुत संस्कृत दूर पंडित थे। एक समय प्रभुपाद का एक शिष्य था जो बहुत बड़ा के ऑफिसर है उसको पता ही महाराज जी अच्छे संस्कृत जानते हैं संस्कृत अच्छे तरह से जानते बड़े विद्वान भागवत को पूरा पढ़े हुए सारे श्लोक को जानते हैं। एक दिन वो प्रभुपाद के पास में आए बोले प्रभुपाद
हमें आदेश दे दो, जो भागवत महाराज है ना उनसे कथा सुनना चाहता। प्रभुपाद ने कहा वो भागवत का भय नहीं जानता है, भागवत सुनना है ना, वो जो वैष्णव दास है ना खेती में दिन भर काम करता है, हाँ बगीचा में दिन भर काम करता है, ठाकुर जी के लिए उगाता है बैगन मिरीज केले, वो जो दिन भर सेवा करते जाओ उसको पास में जाओ वो जीवंत भागवत है। ये तो केवल याद किया, लेकिन जो जीवंत भागवत उसको पास में जाओ पता नहीं, लेकिन उनको पता है वो मूर्ख है, वो कुछ लिखा बड़ा जानता नहीं है, लिखा बड़ा नहीं जानता, लेकिन गुरुदेव का आदेश है वहां पर जाकर के वही कथा सुन। अभी गुरुदेव का आदेश पालन करना पड़ेगा, लेकिन मान बैठे शंका है तो कुछ जानता नहीं, वो गए वो तो खेती में काम कर रहा था और हाथों में काम और मुंह में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। वो तो खेत में काम कर ठाकुर जी का नाम ले रहा था, जो वहां पर गए उनको प्रणाम किया, प्रणाम करते चौक पे खड़े हो गए, उनको पता है बहुत बड़ा ऑफिसर है, बोले आप कहाँ से क्या सेवा करेंगे, बोले प्रभुपाद ने बताया, प्रभुपाद ने बताया अब हमें थोड़ा हरी कथा सुनाओ, बोले आप मूर्ख आदमी क्या कथा सुनाएंगे, लेकिन गुरुदेव का आदेश है कथा सुनाओ। तो उन्होंने प्रभुपाद के चरणों को स्मरण करते हुए उन्होंने उनको कथा सुनाया और इतनी अच्छी अच्छी कथा सुनाई, इतनी अच्छी अच्छी कथा सुनाई, जिस कथा को सुन करके ना वो एकदम दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, बोले वाह इतने सुंदर कथा सुनाता हमको पता नहीं था। हाँ देखो जैसे एक चीज समझो, जैसे हमने सुना है रसगुल्ला मीठा है लेकिन रसगुल्ला खाया नहीं, लेकिन एक व्यक्ति रसगुल्ला खाया, जब दोनों व्यक्ति को पूछा जाएगा रसगुल्ला कैसे है, जो खाया नहीं जो बोले सुना है ना बोले हाँ रसगुल्ला मीठा है, लेकिन जो व्यक्ति रसगुल्ला खाया है जब उससे पूछेगा भाई रसगुल्ला कैसे, वो कैसे बोलेगा भैया रसगुल्ला इतना मीठा है, इतना उसको मुंह में पानी आ जाएगा, उसको मुंह में पानी आ जाए क्यों, उसने रसगुल्ला खाया, लेकिन इसने केवल सुना रसगुल्ला मीठी है लेकिन खाया नहीं। फिर उसी तरह जो व्यक्ति केवल शास्त्र को रटते हैं लेकिन सेवा नहीं करते, केवल शास्त्र को रटते हैं कहते वो तो कथा सुनाएंगे, लेकिन उनकी जो कथा है ना आपका हृदय को स्पर्श नहीं करेगा, आपका हृदय को द्रवीभूत नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति से बात करते हैं ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, जब वो कोई कथा सुनाएगा कहते वो शब्द ब्रह्म है, वो शब्द सामान्य नहीं, क्योंकि उन्होंने अनुभूति, उन्होंने अनुभूति किया है भगवान की प्रेम को, उसने अनुभूति किया है। इसलिए मूल है भगवान की सेवा करनी चाहिए, गुरु वैष्णव की हमें सेवा करनी चाहिए, इसलिए सेवा से सेवा मिलता है। जैसे हमारे श्री सबरी नाम सुने के लिए सबरी के नाम सुने हैं, जो सबरी थी इसलिए जो सबरी थी हैं वो सबरी थी, उसने घर बार छोड़ करके जंगल में आई, कहाँ पर बोले मातंग ऋषि को पास में आए, उन्होंने मन मन में उनको गुरु रूप में वर्ण कर लिया हैं, ये मेरे गुरुपाद पद में है, अभी गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वहां पर सारे ब्राह्मण लोग रहते हैं, ये छोटी जाति के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकती, अभी सोच रही है और अंदर में गुरुदेव जब कथा सुनाते कथा भी नहीं जा सकती, ये छोटी जाति की, वो आश्रम में बड़े बड़े ब्राह्मण लोग रहते हैं, ब्राह्मण लोग हैं, अभी उन्होंने अपना गुरुजी मान लिया, अभी गुरुजी की सेवा करनी चाहिए, वो सोच रही है हम गुरुजी की क्या सेवा कर सकते हैं। देखो जिसके अंदर में सेवा की भावना रही ना, गुरुदेव सेवा दे दो, गुरुदेव बोलने का जरूरत नहीं, सेवा हमें ढूंढ लेनी चाहिए, सेवा में ढूंढ लेनी चाहिए, मांगने का जरूरत नहीं, गुरुदेव सेवा दे दो गुरुदेव के हैं नहीं, जो सेवा करने वाले व्यक्ति से बात ढूंढ हैं, इसलिए बोला अभी इनकी क्या सेवा करें गुरु जी की। मैंने देखा रोज रोज गुरु जी के लिए खाना बनता है,
सूखी लकड़ी की बड़ी जरूरत है। वो दिन भर जंगल में जाकर सूखी लकड़ी को इकट्ठे करती है, है? और जब सबके सब सो जाते हैं ना, एकदम गुरु जी के आश्रम के सामने सूखी लकड़ी की जो गठली छुपा करके रख जाती है, सेवा दिखाने का जरूरत नहीं। कभी कभी होता है ना, जब गुरु जी आए उनको दिखाने के लिए बड़े दौड़ भाग करके, देखो आप कितने सेवा कर रहे हैं, जब गुरु जी चले जाए सो जाए, नहीं, इसको सेवा नहीं कहते। दिखा दिखा कर सेवा नहीं कहते, हृदय से सेवा, हृदय से सेवा होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए। और देखा आश्रम का चारी तरफ में जब गुरुदेव सो जाते हैं, उन्होंने आश्रम का चारी तरफ में झाड़ू लगा देती है, साफ सुथरा कर देती है। अब गुरुदेव जब जाते हैं कहाँ पर, पंपा आश्रम वहां पर था, पंपा सरोवर वहां चल करके जाना पड़ता है, रात में झाड़ू लगा करके रास्ता को साफ कर देती है, बिहार में कोई कांटा नहीं कट जाए। मातंग ऋषि ने देखा ये क्या है, रोज देखता हूँ सवेरे सूखी लकड़ी सामने, आश्रम का चारी तरफ में साफ सुथरा देता है, हम तो ब्रह्मचारियों को बोल बोल थक जाते, भैया तरह झाड़ू लगाओ, बोलने पर भी ये झाड़ू नहीं लगाते थे, बड़े बोलने पर जाकर कोई साफ सुथरा करता था रास्ता को साफ, या तो अपने आप सवेरे उठो तो चारी तरफ साफ सुथरा मिलता है और पता नहीं चलता कौन सेवा करता है। वो गुरु जी है ना, वो तो साधारण थे नहीं, वो समझ गए हैं, लगता है कोई कोई बड़े कोई भगत होएगा। एक दिन गुरु जी छुप करके देखे ये कर रहा है, देखा ये सबरी कर रही है। तब मातंग ऋषि ने पूछा बेटी तू ऐसे क्यों करती हो, बोले गुरुदेव आपको हमने अपना गुरु जी मान लिया है, अभी गुरु जी को सेवा तो करनी चाहिए, हम स्त्री शरीर के आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकती है, कथा नहीं सुन सकती, इसलिए मैंने सोचा ये शरीर से जितना हो जाए ठाकुर जी की सेवा हो जाए। इसलिए गुरु जी ने देखा यही भक्ति पाने के यही अधिकारी, यही अधिकारी। बोले क्यों, बोले इसके अंदर में दो चीज है, पहला तो सेवा की भावना और दूसरी जो दीनता है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं त्रिना तपि सुनिचे न तरो रपि सहिष्णुना आदिना मान दे इसकी अंदर में ही भक्ति पाने का यही अधिकार है, सारे इसकी अंदर में भक्ति की गुण है। इसलिए उन्होंने बोले देख बेटी एक काम करियो, बोले क्या, बोले तो आश्रम में आकर कथा सुनना, बोले गुरुदेव हम छोटी जाति के, बोले कोई चिंता मत करो सबसे पीछे बैठो। बोले ठीक है गुरुदेव, जब सबसे पीछे आकर के बैठी गई ना, जितने वहां ब्राह्मण लोग थे बड़े जोर से चिल्ला उठ, बोले तेरे को किसने आदेश दिया आश्रम में प्रवेश करने का, हमारा आश्रम अपवित्र हो गया, गोबर का पानी गोमूत्र लाओ छिड़काव करवा, आश्रम पूरा अपवित्र हो गया, तू घर आश्रम में कैसे प्रवेश कर गई, तेरे को आदेश किसने दिया, ये कथा सुनेगी सबसे है? ये छोटे जाति की और अंदर में प्रवेश करेगी, हम सबके सब ब्राह्मण लोग रहते हैं, है? ब्राह्मण लोग रहते हैं, ये आश्रम अपवित्र में आई और सबसे पीछे बैठकर कथा सुनी, फिर हम कोई भी आश्रम में नहीं रहेंगे। बोले तुम सबके सब चले जाओ आश्रम से, जरूरत है नहीं तुमको, लेकिन केवल इसको ही हमने कथा सुनी, क्योंकि कहते ना जात पात पूछना कोई और हरि का भजा सो हरि का होई, भगवान की भक्ति में जात पात विचार नहीं, जात होता है ये शरीर का, आत्मा की कोई जात नहीं होता है, आत्मा भगवान की संतान है, हम सब भगवान की सबसे सब बच्चे हैं, भगवान की संतान है। तथा ये संसार के क्षेत्र में जो दुनिया को जो वहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय से विचार करने चाहिए, लेकिन जब कोई भक्ति में आ जाते हैं ना, फिर यहाँ पर किसी चीज विचार नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब सामाजिक क्षेत्र में, जब समाज में रहते हो,
तो उसी समय ये चीज, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र, वहां पर विचार कर। लेकिन भक्ति में आने के बाद फिर इस चीज का हमें विचार नहीं करनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी का कौन सी जाति बताओ? वानर। बंदर है ना, घर में कोई बंदर घुस जाए ना, बोले अपवित्र हो गया, धो डालो। लेकिन हनुमान जी को घर घर में पूजा हो रही है। सुग्रीव कौन सा जाति के? वानर। बंदर। भगवान राम जब राम दरबार देता है ना, भगवान उसको बराबर आसन देता है। विभीषण कौन सा जाति के? राक्षस है, लेकिन भगवान जिसका मित्र है। गुहा चंडाल है, गुहा चंडाल है, लेकिन ठाकुर जी क्या करते हैं, उनको गले में लगाया है। इसलिए सबरी सबरी ठाकुर जी का झूठा बेर खाते हैं, झूठे बेर खाते हैं। इसलिए यहाँ पर भक्ति में आने का बात पर ये चीज विचार नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो सबके सब चले गए, लेकिन केवल अकेली यही रही। गुरु जी ने इसको ही कथा सुनाए, बोले बेटी एक दिन भगवान स्वयं परम ब्रह्म अकेले नहीं, अपना भाई को साथ में यहाँ पर आएंगे, और सबसे पहले तेरे आश्रम पर आएंगे, सबसे पहले तेरे को दर्शन देंगे सचमुच से। हैं सचमुच से जब उस समय गुरुदेव गए ना, उस समय एकदम कम उम्र की जवानी थी, लेकिन भगवान राम जब आए जब एकदम बूढ़ी हो गए, मतलब कितने सालों के बाद भी जा करके भगवान आए। लेकिन गुरुदेव ने बताया, क्या बताया, एक दिन भगवान स्वयं आएंगे भैया के साथ में। हैं इसलिए कहते गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक आर ना करिया। मतलब गुरुदेव हमें जब नाम दिया, हरि नाम दिया, हमें भक्ति दिया, हमें दृढ़ पूर्वक नाम में करनी चाहिए, दृढ़ता पूर्वक विश्वास करके। हाँ एक दिन भगवान जरूर हमें दर्शन देंगे। ऐसे नहीं दो चार दिन भजन किया, माला किया, बोले माला तो काला पड़ गया, लेकिन अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी तक तो कुछ हमारी हो ही नहीं रही। इसलिए किसी ने गुरुदेव को पूछा, बोले गुरुदेव इतना साल हो गया हमारी अनुभूति नहीं हो रही। बोले कितना साल हो गया? बोले 15 साल। बोले मेरे तो मेरा तो 7 साल हो गया, अब तो मेरा कुछ नहीं हुआ। अब तो 15 साल में कहते हो मेरे कुछ नहीं हुआ। बोले कितना कितना सालों के कीचड़ दिल में बैठाया। गुरुदेव कहते तुमने कितने सालों के कीचड़ हृदय में जमा किया, करोड़ों करोड़ों साल से ये विषय भोग करते करते उसका गंदगी तुम हृदय में उसको जमा किया है, और दो दिन आकर बोले इसको साफ कर देंगे। दो दिन आकर बोले काम नहीं जा रहे, क्रोध नहीं जा रहे, लोभ नहीं जा रहे। इसलिए बेटा कोई चिंता मत करो, भगवान के भजन करते रहो, नाम करते रहो, भगवान की सेवा करते रहो। है करते करते धीरे 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 ये चीज धीरे 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 जाएगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं क्रमे क्रमे पाए जीव भव सिंधु, मतलब है जीव धीरे 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 जितने परिमाण में हम भक्ति करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, उतना परिमाण में हृदय से हमारे काम क्रोध लोभ उतना परिमाण से हृदय से ये चीज हटती रहेगी। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं भगवत अनुभूति प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, सेवा। क्या चाहिए? सेवा। सेवा सेवा को साथ में सेवा को साथ में हर चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों सेवा करोगे तो तुम्हारी संस्कार बनेगा, और संस्कार बनेगा तो फिर धीरे 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 बढ़ सकते, ठीक है ना। गुरुदेव अगर कोई पूछे जैसे ब्रह्मनिष्ठम है ना, ब्रह्मनिष्ठम तो के आप कैसे कह सकते हो कि आपके गुरुदेव में लक्षण है ब्रह्मनिष्ठम का, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए? इसलिए जो गुरु जी है ना, एक शास्त्र ने बताया बोले नदेव देव बनचे, ये पुराण का श्लोक है, कहते जब तक हम देवता नहीं बनते हैं ना, देवता को पूजा नहीं कर सकते है? एक व्यक्ति PhD किया है, अभी वो PhD जो किया है उसको कौन समझ सकता है, जो PhD किया क्लास 2, 4, 5 बच्चे को अगर किसी को कि PhD वो क्या समझेगा। जो PhD किया है ना वो एक PhD व्यक्ति का महत्व को ही समझ सकता है। भैया कितने पढ़ने का बाद जाकर के एक PhD कर सकते हैं, कौन समझेगा, जिसने PhD किया है। उसी तरह कोई ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं हम नहीं समझ सकते, जब हम ब्रह्मनिष्ठ बनेंगे तब जाकर के हम इसको समझ सकते हैं कौन ब्रह्मनिष्ठ नहीं। इसलिए
बद्ध जी महान पुरुष का, इसलिए गुरु, गुरु मतलब क्या, वजन है जो भारी है, इसलिए लघु व्यक्ति गुरु व्यक्ति के महत्व नहीं समझ सकते, इसलिए भजन करने का जरूरत और ठाकुर जी का चरण में प्रार्थना करने का जरूरत है, ठाकुर का कृपा होगा, भजन होगा, फिर हम ये चीज को समझ सकते हैं। रघुवर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। हरी।